रिम्स के एनेस्थेसियोलॉजी विभाग का एक कोर्स था, पोस्ट डॉक्टोरल एडवांस फेलोशिप कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद इंटेंसिव केयर में डॉक्टर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड हो जाएगी और उनको आगे भी फायदा होगा, इसलिए इस कोर्स को हमने वहाँ शुरू करने का PDAF प्रस्ताव पर लगाया। मैम, हिंदू कॉलेज में क्या PG की पढ़ाई होगी? देखिए, PPK कॉलेज बुंडू से प्रस्ताव आया हुआ है प्राचार्य महोदय का। वो जितने वहाँ पे UG के कोर्स हैं, सब PG की पढ़ाई चाह रहे हैं। चूँकि शिक्षकों की बहुत कमी है, तो बिना शिक्षकों के अगर कोर्स हम शुरू कर देंगे तो छात्रों को फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि कम से कम 2 शिक्षक इस विषय में हों, उस विषय में वहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है। और कितने मुद्दे थे जो महत्वपूर्ण? इसमें इस बैठक में कई मुद्दे महत्वपूर्ण थे। एक ये था कि बिरला कॉलेज में अमानत का पाठ्यक्रम चालू करना है, और अमानत का पाठ्यक्रम हमारे यहाँ मारवाड़ी कॉलेज में और DSBMU में पहले से चल रहा है। चूँकि यह पाठ्यक्रम +2 के बाद का है, तो ये हमारे लिए परेशानी हो रही थी कि हम तो डिग्री के बाद वाले जो लोग 3 ईयर्स डिग्री कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद का पाठ्यक्रम हम शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि डोरंडा कॉलेज में करीब 10,000 से ऊपर बच्चे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये कॉलेज भी ऑटोनॉमस हो जाएगा, और ये कोर्स करने के बाद छात्रों को तुरंत नौकरी मिल जाती है, इसीलिए हमने इस प्रस्ताव को पारित किया कि डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य ही उन बच्चों को ये सर्टिफिकेट इशू करके देंगे और इसकी पढ़ाई वहाँ शुरू होगी। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।